आज सुल्तानगंज के अबजुगंज गांव में केंद्र सरकार की गलत नीति के खिलाफ व सरकार के निजीकरण के फैसले व सभी बंद पड़े वैकेंसी को लेकर अबजुगंज के बेरोजगार युवाओं ने रात्रि 9:09 को लेकर मोमबत्ती जलाकर रोजगार के हक की लड़ाई लड़ी। बंद पड़े रेलवे के वैकेंसी को चालू करने, NTPC और ग्रुप डी के परीक्षा SSC की रिजल्ट व वैकेंसी की लेट लतीफी को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश दिख रहा है। युवा का कहना है कि युवा अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ सभी युवा अपने आह्वान पर तुले हैं। ये एक जन आक्रोश है। सभी पर लिखकर बेरोजगार है, कोई पॉलिटेक्निक, कोई स्नातक, कोई मास्टर डिग्री करके बैठे हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जाति में फंसा कर रखती है, लेकिन कभी युवाओं के हक की बात नहीं करती है। सुल्तानगंज से हमारे संवाददाता संजीव कुमार के साथ दीपक कुमार की खास रिपोर्ट। चाहिए सभी पॉलिटेक्निक BA MBA करके बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे एयरपोर्ट रेलवे सभी मिल रहे हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए। जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? ये जुलूस हम बहरी सरकार तो ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में रोजगार हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अभी वर्तमान में रेलवे के टोटल 2,42,00,000 पद मतलब फॉर्म भरे गए हैं, मतलब उसके लिए हम लोग ये रोजगार निकाल रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए बस। अभी हम अपने बारे में बता रहे हैं, मैट्रिक, इंटर, ऑनर्स, PG, ITI सब हो गया हमारा, लेकिन अभी तक हमको रोजगार नहीं मिला है। ये केवल और केवल रोजगार के लिए है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? सरकार को बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से हम नहीं चलेगी। सरकार का रोजगार दो और हम press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.